हाँ अच्छी खुली रही, अच्छी खुली रही मतलब कि अच्छी दिख रही। निमाड़ी में शकर को शकर ही बोलते हैं, चीनी को। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। और कल ब्लॉग नहीं डल पाया क्योंकि मेरे पास डाटा खत्म हो गया था, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं डल पाया। और सो फिलहाल तो सुबह हुई है, चाय वगैरह से शुरुआत करते हैं और फिलहाल देख लेते हैं कि खाने में क्या बन रहा है, क्योंकि मन्नू ही खाना बना रही है फिलहाल। इधर अभी डब्बा चाय बना रहा है, ये चाय दूध और पत्ती वगैरह सब डाल दिए। और मन्नू, गुड मॉर्निंग मन्नू। गुड मॉर्निंग। और क्या खाने में बन रहा है आज? क्या पता, मैंने नहीं बनाया। फिर किन्ने बनाया? भाभी ने बनाया। सो गाइस चाय बन रही है पापू की और मन्नू ने रोटी बनाई है और दाल काय की, हाँ मूंग की दाल बनी है अभी। इन गाइस मम्मी अभी सुबह सुबह से बैठे हैं, बस अभी चाय बन गई और मनु सबको दे रही है चाय। तो हम भी एक हमारी चाय उठा लेते हैं। अभी फिलहाल 11 से 12 बजने वाले होंगे और अभी ना तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आया है घर में, तो वो खाते हैं। और खाने में क्या है वो तो आपको बता ही दिया था, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद में नहा लूँ। सो गाइस अभी मन्नू कैसे दिख रही है, इनने ना तो अभी तरबूज भी काट दिया है और अभी दोपहर हो रही है और डिब्बा वहाँ जाके बैठ गया है, पेंट सिलने गया था। सो उसकी भी ना तो क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, सो मुझे लगा नहीं था कि वहाँ मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन एक आ गया था तो उसको मोबाइल दे दिया और फिर मैंने फटाफट से क्लिप बना ली। सो भी मैं यहाँ पर ना तो ऐड कर दूँगा कहीं ना कहीं बीच में। तो गाइस यहाँ पड़ोस में मैं आया था पेंट को सही करने के लिए, तो मैं अभी कर ही रहा हूँ। ऑलमोस्ट ना तो हो ही चुका है, जो पता होता है कि उसको मैं कपड़ा लगाना नीला वो हरा वाला, तो ये काम कर लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। ये वाला पेंट था जो कि अभी मैं सिल के लाया था और ये देखो ये वाला कपड़ा डाला था जो कि ये ना तो फट गए थे और यहाँ तो मैंने लगाया ही नहीं कपड़ा, यहाँ तो वैसा ही रह गया, लेकिन ये कपड़े सारे के सारे लगाए हैं अभी। तरबूज वगैरह खा लिया है और अभी ना तो दोपहर हो रही है और दोपहर को तो अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस यहीं बैठूँगा और रील्स वील्स की तैयारी करूँगा, क्योंकि मैं ना तो एक सॉन्ग डालता हूँ रील्स के लिए, ट्रैक के साथ डालता हूँ, सो उसी की तैयारी कर लेता हूँ पहले और वो तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि शाम को क्या होगा। तो है गाइस सभी शाम हो रही है और शाम को आप देख सकते हो सब ना तो आंगन में बस ऐसे ही बैठ जाते हैं, दोपहर से 4 बजे से सबके सब बैठने लगते हैं। और अभी घर में क्या हो रहा है, जैसे कि शाम हो गई है तो मनु ने तो खाना बनाना शुरू कर दिया होगा या पता नहीं क्या करें, तो देखते हैं। सो वैसे मनु का खाना चल रहा है, क्या खा क्या रही है? मूंग की दाल है। सो गाइस ये आम है जो कि मम्मी लाए थे आज। और मम्मी कहाँ गए थे आज, क्यों? सो गाइस फिलहाल मन्नू और भाभी बना रहे हैं आम का रस, आम रस जूस बना रहे हैं, जूस बनाएंगे कुछ, और जूस कुछ इस तरह से बनेगा। केरी मिक्सर से बनाएंगे, सो गाइस मतलब कि मिक्सर में इसको पहले काट लेंगे छोटे छोटे से और फिर मिक्सर में पीसेंगे, क्यों घुमाएंगे घुमाए या कुछ भी करें, लेकिन अभी बना रहे हैं सो बनने देते हैं और उसके बाद ना तो टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि कैसा क्या बना, मन कैसे क्या बनाती है। ये पहली बार ही बना रही है? नहीं बनाया तो मुक्ति बार है, गणित बार बनाया बनाते सो इसने पहले भी बनाया है इसलिए अभी बना रही है, मतलब कि अच्छे से आ जाता होगा। yes. आ जाता है। सो गाइस टेस्ट भी फिर अच्छा ही होना चाहिए, अगर बुरा लगा तो फिर देखते हैं क्या, बुरा भी लगेगा तो क्या ही बोलेंगे इसको कुछ भी नहीं। सो गाइस अभी फिलहाल तो बनने देते हैं, जैसे भी ये बना रही है अभी इस तरह से कुछ, ये जो पीसेस है कि नहीं उसमें जार में डाल रही है अभी छोटे छोटे से पीसेस और इसको पीस लेगी। सो गाइस यहाँ पर बन चुका है, अभी बना रहे हैं। अरे काय बाकी छे, उसमें चीनी डालनी है, शक्कर डालना चाहिए, बस अभी शक्कर डालेगी और हम निमाड़ी में शक्कर को शक्कर ही बोलते हैं चीनी को।
चीनी को शक्कर बोलते हैं। है कितनी डालेगी? अरे मीठी लगनी चाहिए ना अच्छी, ना मीठा ज्यादा पसंद है। मिडिल क्लास लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है, तो मिडिल क्लास है। मैं काई करो देखो, अब चीनी डाल दी और अब ना तो ये अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। सो फ्रिज का हाँ। फ्रिज का पानी खराब हो गरम पड़ता है। आम रस तैयार हो चुका है और खाना भी बनने लगा है। सो इधर मन्नू खाना बना रही है और इधर मम्मी खा रहे हैं। मम्मी कैसा लगा? अच्छा। अभी खाया नहीं? अच्छा लगा, मीठा मीठा खा के देख लिया। सो बस मम्मी अभी खाना खा रहे हैं। ये आम रस था और इसमें आम रस है, इसमें दाल जो कि सुबह की इसने ना तो भी शाम को खाना बनाया ही नहीं, मतलब कि दाल बनाई नहीं, सुबह की दाल खानी पड़ी मुझे भी। और ये पराठे और आमरा जो के अभी बना हुआ है। तो है गाइस, जैसा कि आपने ब्लॉग देखा और मैं ना तो ये जो मैंने पेंट पहनी ये मैंने खुद ने सिली थी, क्योंकि पड़ोस में जो मशीन थी कि नहीं जिनकी मशीन थी उन्होंने नहीं सी, क्योंकि उनको ना तो जींस पे मशीन चलानी नहीं आती, तो मैंने खुद नहीं चलाया और पेंट सिल के लाया और आपको दिखाया भी कि कैसे कैसे लाए। मम्मी मार्केट गए थे घर को, जहाँ से कि आम ले आए थे और फिर आम रस वगैरह बहुत बहुत कुछ हुआ आज के दिन में, लेकिन रिकॉर्ड मैंने उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था इसको, मतलब कि टाइम हो गया था मुझे ब्लॉग स्टार्ट किए हुए, क्योंकि बहुत सारा काम ना तो इन सब का हो ही जाता है और फिर मेरा उठना होता है, मतलब कि मैं खड़ा लेट होता हूँ इसलिए ना तो ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू करता हूँ। तो गाइस मम्मी मार्केट क्यों गए थे, क्योंकि भाभी को हॉस्पिटल ले गए थे और भाभी का फेस भी ना तो मैं अब रिवील करने वाला हूँ, भैया का और भाभी का दोनों का, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है। भाभी को तो देखा भी होगा लेकिन भैया को शायद ही किसी ने देखा है। सो इनका फेस भी रिवील करने वाला हूँ बहुत जल्द। आप कमेंट करना, जितनी ज़्यादा कमेंट होगी कि नहीं उतना ही जल्दी मैं फेस रिवील करूँगा। गाइस क्यों हॉस्पिटल ले गए थे वो भी आपको बताऊंगा। और काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आपके भाई की शादी कब हुई कैसे हुई ये हमको तो बताया ही नहीं, तो ये तब की बात है जब मैंने YouTube शुरू नहीं किया था, सो मैं क्या ही रिकॉर्ड करता और क्या ही बताता। सो इसीलिए सो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखा रहा हूँ और फेस भी रिवील नहीं किया है। गाइस आज का जो टाइटल है वो मन्नू पे भेज दें, तो मन्नू को बुला लेते हैं। मन्नू जरा तो गाइस इसको ना तो परेशान करना अच्छा लगता है, ये पूरे दिन मुझे बोलती रहती है कि मुझे शूट मत किया कर, मुझे शूट मत किया कर, लेकिन ये अकेली होती है तो इसको ही मैं शूट करता रहता हूँ। मन्नू भी आ चुकी है और मन्नू का आमरस बनाने का तरीका अच्छी खुली रही मतलब कि अच्छी दिख रही। सो गाइस मन्नू का आमरस बनाने का तरीका किस किस को अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे मैं रील्स पोस्ट करता रहता हूँ, सो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और अब इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं और एंड करने के लिए मम्मी और मन्नू बैठे हैं, सो दोनों करेंगे आज। मुझे तो नहीं आता। सो गाइस अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।